Kumar and Dilip Kumar's film in Vidhata, you see, taught me one thing, how to handle actors. He's full of egos. They were legions. They were newcomer, Manisha and Vivek Mishra. So by that time I had learned the trick, because what a trick, that you must treat all these stars like kids. They can go nut anytime. So मैंने ये सीख लिया कि जितने stars हैं वो kid की तरह हैं, जब वो shooting करते हैं बहुत नखरे होते हैं, तो उनको बिल्कुल वैसे treat करो जैसे कि एक mother जो है चार बच्चों को संभाल रही है, एक स्टूडियोस है, एक नोटोरियस है, एक बेवकूफ है, एक डल है। तो मैंने क्या किया, दोनों को ईगो मसाज किया। सो मैंने कहा दिलीप साहब को भी कि आपके राजकुमार जी आपके फैन हैं, और राजकुमार साहब को कहा कि दिलीप कुमार आपके फैन हैं, तो उनकी जो एनिमिटीज थी वो आहिस्ता 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 दोस्ती में बदलते चले। मैंने कहा साहब वो बहुत तारीफ कर रहे थे कि कल आपने जो शॉट दिया, अच्छा बोला था, जो फिल्म में आप सीन देखते हैं ना सौदागर में, वो एक्चुअली उनके लाइफ में भी चल रहे थे, एंड आई वाज प्लेइंग द मिनिएचर उनको। तो मैं अपने तरीके से उनको हैंडल करता जा रहा था, बाद में दे बिकेम फ्रेंड, बिकॉज मुझे अपनी फिल्म बनानी थी और मैं चाहता था कि उनका मूड भी खराब ना हो, क्योंकि दे वर स्ट्रांगली अपोजिट। उनको पता नहीं था कि पिक्चर में फंस जाएंगे, मुझे भी नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगा। आई प्लेड अ ट्रिक विद दिलीप साहब, माई रिलेशन शिप इज वेरी डीप, बिकॉज विदाता बनाई थी, कर्मा बनाई थी, बहुत बड़ा म्यूचुअल फेथ था, दिलीप साहब को बहुत प्यार था मुझे। तो मैं उनसे तीसरी पिक्चर के लिए कुछ भी कहता तो वो करते थे, ये तो मुझे कॉन्फिडेंस था। हुआ क्या कि जब हमने कहानी लिख ली, मैंने ये भी सोच लिया, तो जब मैं दिलीप साहब को कहानी सुनाने के लिए गया, तो मेरे राइटर ने मुझे बताया कि तुम्हें पता है कि दिलीप साहब और राजकुमार की 36 साल से दुश्मनी है। तो मैं डर गया, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं दिलीप साहब को चलाता हूँ, कोशिश तो करते हैं, ना करेंगे तो क्या। मैं गया, मैं दिलीप साहब को कहानी सुनाई, तो कहानी सुनाने के बाद वो मुझे बाहर छोड़ने आए, कहेंगे अच्छा कहानी तो अच्छी है, इस पर काम करते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा, तो गाड़ी में जैसे मैं बैठने लगा तो दिलीप साहब मेरे को छोड़ने आए, मुझे बोलते हैं सुभाष ये दूसरा रोल कौन कर रहा है, दूसरे दोस्त का। मैंने उनकी तरफ देखा, अंदर बैठ गया, दरवाजा हाथ में लिया, मैंने कहा राजकुमार, ठक करके गाड़ी में जाके चले। सो ही डिड नॉट नो वेयर टू लुक एट इट, है ना। तो बोला थैंक गॉड उन्होंने पहले नहीं पूछा, मैंने बोला गाड़ी चला ऐसा मैंने ड्राइवर को कैसे किया, तो मैं भाग गया। मैंने बोला अब इनको एक डेढ़ साल डेढ़ दिन सेल्फ करने दो, ये बस हॉस्पिटल गाइड हो मैं। लेकिन मैं वहाँ 4 दिन 6 दिन मिलने ही नहीं गया उनको। अब दिल राजकुमार के पास पहुंचा, तो मेरी पिक्चर राम लगन वगैरह हिट हुई थी, तो मैं एक यू नो माय प्लेन वाज फ्लाइंग हाई, वेरी हाई। तो मैं उनको कहा सर ऐसे मिलना चाहता हूँ, तो रात को बुलाया उन्होंने, तो ड्रिंक पे बुलाया उन्होंने, तो कहने लगे कि हाँ जानी बोलिए। मैंने कहा जी मैंने एक कहानी लिखी है और ये आइडिया ये है, उसका कॉन्सेप्ट ये है, तो करेंगे जरूर करेंगे चीफ, आप टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, हम भी टैलेंटेड हैं, आप भी टैलेंटेड। तो कहने लगे कि इस कहानी में दूसरा रोल कौन कर रहा है, अब मेरी जान अटकी फिर से। ये नाना बोलेगा कि ये तो वैसे भी टेढ़ा बंदा है, वो तो फिर भी समझदार थे, समझा लूंगा उनको। मैंने भाजी कोई बड़ा एक्टर तो नहीं कर सकता आपके साथ ऐसी, वो बड़ा तो वो दिलीप कुमार है ना, तो वो बड़ा ऐसे लो करके बोला उन्होंने, और दिलीप कुमार है ना, तो उन्होंने गिलास उठाया ऐसे पिया और कहा जाने इस हिंदुस्तान में अपने बाद हम किसी को एक्टर मानते हैं तो दिलीप कुमार को मानते हैं, अपने बाद। लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ मैन, है ना। बोला हाँ जी बिल्कुल सर, नहीं ये रोल उनको फिट होता है, मेरे सामने जब आएंगे दिलीप कुमार आएगा तो जलवा तो आएगा ऐसा। मैं बोला चलो ये तो हो गया। अब जब पिक्चर शुरू होती है उसके बाद जो जो हुआ उसके ऊपर 300 पेज की किताब लिख सकता हूँ।